वेलकम टू एक्सप्लोर विद आशु। दोस्तों आज हम विजिट करने वाले हैं अमूल डेयरी आनंद गुजरात की। अमूल डेयरी विजिट का ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अभी हम खड़े हैं अमूल डेयरी के बाहर के एरिया में। ये रास्ता जाता है गणेश सर्कल की ओर, इसके सामने ही है एवर फ्रेश बेकरी और ये रास्ता जाता है आनंद रेलवे स्टेशन की ओर। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपको जो कन्फर्मेशन स्लिप मिलता है उसके साथ आपको आधार कार्ड कैरी करना रहेगा और इस सिक्योरिटी कैबिन में आपको उसका क्लियरेंस करवाना रहेगा। हमने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिए है और इस सिक्योरिटी गेट से अभी हम अपना व्हीकल लेके अंदर को जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। ये है अमूल डेयरी का पार्किंग एरिया, यहाँ से हम अंदर आए थे। स्कूल और कॉलेजेस के लिए अमूल डेयरी का विजिट पहले से ही फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। व्हीकल पार्क करके जैसे ही हम प्लांट की ओर आगे बढ़े, यहाँ का सौंदर्य देख के हमको लगा कि हम प्लांट विजिट नहीं लेकिन कोई गार्डन विजिट करने आए हैं। यह है हमारा सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट। हमको हो गई है देर, चलो परज भागो। दोस्तों हम सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह करके अभी पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमको पता चला है कि अंदर मोबाइल शूटिंग अलाउड नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू शो यू द प्लांट मशीनरी। और लेकिन वापस आके आपको बता दें कि कैसा हमने एक्सपीरियंस किया। मिलते हैं। अमूल डेयरी विजिट के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम रहता है 2 से 4 बजे तक का। हमको हो गई थी थोड़ी देर, तो मैं और परज भाग के पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने आ गया है प्लांट, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से हो जाएगा कैमरा बंद। ये देखिए एक ग्रुप अपना विजिट कंप्लीट करके आ रहा है, परज मुझे खींच रहा है। उसको लगता है डेयरी बंद हो जाएगी तो हम रह जाएंगे। और ये देखिए ये है वेटिंग लॉन्च, यहाँ पर एक ग्रुप अपने टर्न का वेट कर रहा है। हम इसके साथ जुड़ेंगे और अपना विजिट कंप्लीट करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का अमूल प्लांट विजिट करके हम आ चुके हैं बाहर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा हमारा ये विजिट। 76 ईयर्स की अमूल की अति प्रशस्त एवं सम्माननीय यात्रा का इस छोटे से वीडियो में शब्दों द्वारा वर्णन अशक्य है। किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया हुआ मूवमेंट आज बन चुका है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आइए नज़र डालते हैं इसकी ग्लोरियस जर्नी पे। अमूल की ये प्रशस्त यात्रा की शुरुआत हुई आज से 76 साल पहले। कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में चल रहे सिस्टम में किसान अपना दूध कौड़ियों के दाम बेचने के लिए मजबूर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह से मुरारजी देसाई की लीडरशिप में सहकारी गतिविधियां शुरू हुई। दूध उत्पादक सहकारी मंडलियों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। शुरुआत में सिर्फ 2 गाँव गोपालपुरा और हार्डगुड से प्रतिदिन 250 लीटर दूध आता था। श्री त्रिभुवन काका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और हरिचंद दलाया जी की त्रिपुटी के तकनीकी व्यवस्थापन और संचालन कौशल्य ने शास्त्री जी का श्वेत क्रांति का स्वप्न 1970 में सिद्ध करवाया। अमूल डेयरी आनंद में आज के दिनों में 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन आता है। 150 टन बटर का प्रोडक्शन होता है। आज दूध उत्पाद, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाई, ग्रोसरी रेंज में अमूल के 800+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अमूल आज 40% मार्केट शेयर के साथ देश का नंबर 1 आइसक्रीम प्रोड्यूसर है। डेटा के हिसाब से 2021 में अमूल का टर्नओवर था 392 बिलियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हरिचंद मेघा दलाया और पंडित लाल बहादुर शास्त्री को शत शत नमन। अमूल प्लांट विजिट करने के बाद बाहर आते ही सामने ही था अमूल का एम्प्लॉय कैंटीन। इंक्वायरी करने पर हमको पता चला कि एम्प्लॉय कैंटीन 2:30 बजे बंद हो जाता है और यहाँ कुछ नहीं मिलता है अभी। तो ये है कैंटीन का अंदर का व्यू। तो अभी हम चलते हैं बाहर। ये है टैंकर पॉइंट, यहाँ पे हर एक टैंकर में से मिल्क लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है।
दोस्तों अमूल प्लांट देखकर मैं और परज बाहर आ गए। परज कैसा लगा अमूल डेयरी? बहुत बढ़िया। और सामने जो स्टॉल दिख रहा है वहाँ से हमने ये मिल्क लिया है, कोको क्या इसको बोलते हैं, कूल कोको लिया है। यस, और यहाँ पे हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो भाई अमूल कूल कोको पी के अभी आ गई है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी। तो नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमूल। स्टे विथ अस एंड एन्जॉय। ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन मेमोरियल डेयरी म्यूजियम, पद्म विभूषण द मिल्कमैन ऑफ इंडिया और देश को श्वेत क्रांति की राह पे ले जाने वाले और उसको सिद्ध कराने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन को शत शत नमन। दो बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप क्रेजी फोटोग्राफर हो तो ये जगह आपके लिए पैराडाइज से कम नहीं है, और अगर आप फैमिली के साथ इवनिंग आउटिंग पे जाना चाहते हो तो इस जगह को श्योरली कंसिडर कर सकते हो। किड्स विल श्योरली एंजॉय हियर। दोस्तों आज का हमारा ये ट्रिप हो गया एक पंथ तीन काज, अमूल प्लांट विजिट, ब्यूटीफुल अमूल गार्डन विजिट और अमूल के प्रोडक्ट हमने एंजॉय किए अमूल के ही कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए चलते हैं अभी बाहर को। हम आ गए हैं बाहर अमूल डेयरी के बाहर के कॉम्प्लेक्स में। आप देख रहे हैं अमूल पार्लर, साथ में ही आया हुआ अमूल फूडलैंड जो कि अमूल द्वारा संचालित है और आनंद के बेस्ट रेस्टोरेंट्स में गिना जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा अमूल ग्रीन्स द ग्रोसरी मॉल। ये है अमूल स्वीट शॉप, यहाँ पे अमूल द्वारा प्रोड्यूस्ड सारे स्वीट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में।